हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे HEIC फाइल को कैसे ओपन करें। जैसे हम लोग फाइल के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आपको एक डाउनलोड पेज की लिंक आपको नीचे दिखाई देगी। जैसे हम लोग डाउनलोड एंड इंस्टॉल इट नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्टली प्ले स्टोर के ऊपर जंप करेगा। हम लोग जैसे यस करेंगे तो ये स्विच टू माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के ऊपर जंप होगा। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के ऊपर आपको HEIC का कन्वर्टर आपको वहाँ पे शो होगा, जो HEVC वीडियो एक्सटेंशन के नाम से है। ये पेड वर्जन है तो हम लोग फ्री के वर्जन से हम लोग कैसे करते ये हम लोग देखेंगे। ये पेड वर्जन है, हम लोग इसे क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद वापस से हम लोग प्ले स्टोर यानी माइक्रोसॉफ्ट स्टोर स्टार्ट में जाके ओपन करेंगे और इसके अंदर हम लोग सर्च करेंगे इमेज एक्सटेंशन। मैंने ऑलरेडी सर्च करके रखा हुआ है इसलिए आपको यहाँ पे शो होगा इमेज एक्सटेंशन। जैसे आप इमेज एक्सटेंशन टाइप करोगे तो आपको HEIF इमेज एक्सटेंशन आपको शो होगा। उसके नीचे आप जैसे स्क्रॉल करोगे तो आपको वहाँ पे HEIC कन्वर्टर HEIC व्यू और प्रिंट एंड कन्वर्टर आपको शो होगा। जैसे हम लोग गेट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे सिस्टम के अंदर यानी हमारे विंडोज 10 सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आपकी नेट की स्पीड रहेगी उसके हिसाब से ये फास्ट डाउनलोड होगा। ये डाउनलोड होने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि वाह HEIC फाइल को हम लोग JPG में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं। ये चीज़ आपको इजी वे में बताई जाएंगी ताकि आप मल्टीपल फोटोज आसानी से JPG में कन्वर्ट कर सको। मैं आपको डेमो के लिए एक ही बताऊंगा। ये अभी कम्प्लीटली इंस्टॉल हो रहा है हमारे विंडोज 10 सिस्टम के अंदर। जैसे हम लोग इसको ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ओपन होगा। जैसे ये ओपन होता है उसके अंदर फिर हम लोग ऐड फोटो करेंगे। ऐड फोटो यानी हमारा फोटो जिस लोकेशन के ऊपर है, जैसे मेरे डेस्कटॉप के पर है तो मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद ये ऐड होगा, फिर मैं इसको सेव एज करूंगा तो ये मुझे दो ऑप्शन पूछ रहा है, जस्ट दिस वन और ऑल। जैसे मैं सेव करने जाऊंगा तो ये मुझे पेड के लिए पूछ रहा है कि आपको 1.99 पे करना है डॉलर के अंदर। अगर मुझे पे नहीं करना है और फ्री में मुझे ये यूज करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको क्लोज करूंगा। फिर उस सेव एज के बाजू में आपको एक प्रिंट का ऑप्शन है। जैसे मैं इसके ऊपर प्रिंट के ऊपर क्लिक करूंगा तो आपको माइक्रोसॉफ्ट PDF शो होगा। जैसे मैं प्रिंट करूंगा तो ये PDF फॉर्म के अंदर सेव हो जाएगा। और PDF फॉर्म में सेव होने के बाद ये पूछेगा कहाँ सेव करना है PDF फाइल। जैसे मैं सेव करूंगा तो ये डेस्कटॉप के ऊपर PDF फाइल सेव हो जाएगी। फिर ये PDF फाइल को मैं ओपन करके देखूंगा ये सक्सेसफुली ओपन हो रही है या नहीं। ये सक्सेसफुली ओपन हो रही है, फिर मैं इसको क्लोज करूंगा। क्लोज करने के बाद इसको मैं फोटोशॉप के अंदर ओपन करूंगा। आपको भी पता है ये फोटोशॉप के अंदर PDF फाइल ओपन होती है और PDF फाइल के अंदर से हम लोग सिंगल सिंगल फोटो भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर सिंगल सिंगल फोटो एक्सट्रैक्ट होने के बाद आप इसको JPG PNG PHD जो भी आपके फॉर्मेट में सेव करना है आप इजीली सेव कर सकते हो। इस वैसे आप HEIC फाइल को आप JPG के अंदर सेव कर सकते हो, वो भी विदाउट पे किए बिना। ये वीडियो में आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। वीडियो को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द HEIIC चैनल।